मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला से विधायक विश्वास सारंग अपनी विधानसभा के लिए विकास पुरुष की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने रविवार को विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच अपने कामकाज का ब्यौरा रखा और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने रविवार को नरेला विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 37 में विकास यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में 2008 के पहले पेयजल का संकट था। संपूर्ण क्षेत्र पेयजल के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर था। आज नरेला विधानसभा के हर घर में नर्मदा जल पहुँच रहा है। सड़क, पानी और बिजली समेत सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, वहीं आने वाले वक्त में अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। विधानसभा में अपनी बाइक तैयार कर रहे हैं, विकास की गंगा को बहा रहे हैं। आज करोड़ों रुपए की लागत से नाली और रोड का भूमि पूजन करने हम निकले हैं और हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और नागरिक आज विकास यात्रा लेकर निकले हैं। हर स्थान पर हम भूमि पूजन कर रहे हैं और हमारा जो प्रतिबद्धता है विकास की और जनता के कल्याण की, उसको स्थापित कर रहे हैं। भैया, नंबर एक पर लाने का संकल्प पूरी विधानसभा हो। देखिए, हमने पेयजल की समस्या को हल कर दिया। नरेला विधानसभा में 100% हमने नर्मदा पहुंचा दिया। हमने हर जगह की रोड बनवा दी। जहाँ की रोड खराब हो गई थी, अब सेकेंड फेज में हम बनवा रहे हैं। हमने अब तक ड्रेनेज सिस्टम बनाया, अब नरेला में कहीं पानी नहीं भरता, खुद की नालियाँ हैं। हमने पार्क बनवाए, अभी हम 17 हम पार्क बनवा रहे हैं, 3 पार्क। हम कॉलेज लेके आए, हम 2 अस्पताल लाए, हमने 2 CM राइज स्कूल बनाए, बाकी स्कूलों का उन्नयन किया, हमने हर वार्ड में कम्युनिटी हॉल बनाया, एक हम बड़ा कम बड़ा एक सेंटर खोल रहे हैं जो कि जिसमें हम बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं। तो हर स्तर पर विकास और उसके साथ साथ युवाओं और महिलाओं के रोजगार के लिए भी हम बड़ा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री सारंग ने वार्ड 37 के कैंची छोला, राजेंद्र नगर और द्वारका नगर में लगभग 13 करोड़ 90 लाख से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, क्षेत्रीय पार्षद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।